नो सर, हमने इसमें काफी न्यूमेरिकल्स कल किए थे, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था, हम यस लोगों ने सर, पढ़ा था रिटार्डेशन पढ़ा था। तो जो बच्चे कल एबसेंट थे उनके लिए मैं कल क्या करूंगा, थोड़ा सा टाइम उनके लिए एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। ओके मैं सर, कल उनको, तो आज आप एटलीस्ट वीडियो लेक्चर पक्का देखिए, इसमें आप नोट करके रखिए आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में आपको नहीं आया, अकॉर्डिंगली कर सकते यस सर, हैं ना। कल के किसी न्यूमेरिकल में डाउट है, एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल में किसी को, एनी नो स्टूडेंट? सर, नो सर, लेकिन आप एक बार समराइज कर देंगे थोड़ा सा अच्छा हो। नहीं कल वाला नहीं, मैं देखो एक तो एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल समराइज करने हैं, इक्वेशंस वाला समराइज, क्योंकि मैं इक्वेशंस आज स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा पूरा, सही, न्यूमेरिकल से थोड़ा सा समराइज कर दें बस, तो फिर थोड़ा सा। कुछ चलिए हम तो लास्ट थोड़ा क्वेश्चन एक बार, डाउट। ठीक है, हाँ ये सर, लास्ट लास्ट क्वेश्चन हम एक बार क्वेश्चन। फिर से कर लेते हैं, ताकि किसी को जो डाउट है वो एक बार फिर से क्लियर। कल हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था, एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हम जब भी ट्रेवलिंग करते हैं तो हमारा स्पीड कभी भी या हमारा वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जिस गिवन टाइम में अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो पाता है, तो उस केस में क्या कर रहा है, हमको एक्सीलरेशन निकालना पड़ा। अभी देखो यहाँ पर है, ए बॉडी स्टार्ट रोलिंग ए हॉरिजेंटल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर इस बॉडी को बना लेते हैं, बॉडी है ऐसा, ये एक सरफेस है, ये बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। मैंने इसको हल्का सा समझो पीछे से पुश किया था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट वेलोसिटी डिक्रीज एट ए रेट ऑफ दिस, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको जो मैंने पुश किया था, तो ये जो सरफेस होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स पैदा करता है, तो यस सरफेस क्या करता है, सर, फ्रिक्शन फोर्स पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, समझो यहाँ पर आके बॉडी आपकी रुक गई। अब यहाँ पर आपका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, जीरो। इसने पूछा हाउ मच टाइम इट विल टेक बॉडी टू स्टॉप, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी। और हमने दूसरा क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। टी हाँ, हमको टी अगर निकालना है तो टी यहाँ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, तो टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो इस क्वेश्चन हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको टाइम फाइंड आउट, तो टाइम इक्वल टू वी हमको पता है कितना है, जीरो, तो जीरो माइनस यू कितना है, 0.5, तो 0.5 एक्सेलरेशन माइनस 0.0 माइनस 0.05 जीरो सॉल्व फाइव करेंगे तो अगर माइनस 0.5 एक्सक्यूज माइनस मी सर, 0.5 बच्चा, सर व्हाट इज दैट, ए टी यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी? बच्चे ये फॉर्मूला है, ये हमने कल पढ़ा था, आपने कल क्लास नहीं अटेंड किया ना बच्चा, आपने कल क्लास अटेंड किया था, यस सर, तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना बच्चा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर वाला स्टेक का फॉर्मूला। हाँ चलो, माइनस माइनस कैंसिल, अभी हम वापस पढ़ेंगे फिर आपको फिर से समझ आएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, तो टी इक्वल टू 0.5 0.05, पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा, 100। 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया, 10 सेकेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। तो इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द गिवन टाइम, क्लियर। आगे चलें, अभी सर कैन यू टीच दिस अगेन? फिर से, यस सर, अब इसमें क्या नहीं समझ में आया बच्चा, ये बता मुझे, हाँ सर वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। यस ये किसने पूछा है, यश ने, ये डाउट किसका है, भोसले, अथर्व सर आपने कल मुझे क्लास अटेंड समझा किया था था, मेरा।
अच्छा आपने कल क्लास अटेंड किया था? सर आई लेफ्ट अर्ली. व्हाई व्हाई बच्चा? सर आई वेंट टू एक्सरसाइज. गलत बात. क्लास छोड़ कैसे लीव नहीं करना. आज हम यहाँ पर समझेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी कहाँ से आता है. ठीक है ओके चलिए ओके सर. अभी आज तीन इक्वेशंस पढ़ेंगे जिनको कहते हैं इक्वेशंस ऑफ द मोशन. ठीक है ये इक्वेशंस कैसे आती हैं, ये कैसे ड्राइव होती हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं, ये आपको आज सब सीखने का मौका मिले. कल हमने स्टार्ट किया था पर आज आपको मैं वापस इसका रिविजन कराता हूँ ताकि आपके कल के भी डाउट अभी क्लियर हो जाए. ठीक है तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कहते हैं ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी. हमारा v होता है फाइनल वेलोसिटी. फिजिक्स में जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं वैसे आपके साइंस के फॉर्मूले होते हैं. तो फिजिक्स की इक्वेशन क्या है पर आप बता तो रहा हूँ बच्चा आपको वेट करो. u इक्वल टू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मतलब जब मैंने चलना स्टार्ट किया और फाइनल मतलब जब मैं रुक गया. इनिशियल मतलब जब मैंने शुरू किया और फाइनल मतलब जब मैं रुक गया. ए आपका होता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन एंड आपका टी होता है आपका टाइम. टाइम तो फर्स्ट इक्वेशन क्या करती है इट गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन ए गिवन टाइम. समझो मैं डिग्गी में हूं और डिग्गी से मैंने अपनी बाइक उठाई और मैंने चलना स्टार्ट किया. तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर 10 मिनट बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है ना. तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकलता है अगर आपको मेरा एक्सेलरेशन पता हो कि भाई मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ मेरा आपको एक्सेलरेशन पता है. तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर 10 मिनट बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है तो मैं आपको अपनी वेलोसिटी बता सकता हूँ. तो फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या बताती है इट गिव अस वेलोसिटी. हमको वेलोसिटी निकालना उस समय मतलब समझो मैंने भी चलना स्टार्ट किया और 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मेरी वेलोसिटी कितनी होगी ये आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूले से. तो इस फॉर्मूले को कहते हैं v ये फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू u प्लस at. ये आपको याद रखना है ये फॉर्मूला है आपका जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं ना उसी तरह फिजिक्स के फॉर्मूले होते हैं. तो v इक्वल टू u प्लस at. अभी आता कहाँ से हाउ टू ड्राइव दिस इक्वेशन. तो वी यूज द एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट. वी यूज द एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट. एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने कल पढ़ा था डिवाइड बाय टाइम कि आपके उस टाइम में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है. तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन आपका टाइम. ये आपको याद रखना है एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है अभी ए फाइनल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं वी से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा याद रखना. इनिशियल वेलोसिटी को U से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को हमेशा हम T से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है अब इस इक्वेशन को ये इक्वेशन आती कैसे है अब देखो T यहां चला गया तो ये क्या बन गया ए टी इक्वल टू वी माइनस यू. यू को भी यहां लेके चले जाओ U यहां पर प्लस का यहां पर जाके क्या हो जाएगा यहां पर माइनस का है यहां पर आगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा. तो यू प्लस ए टी इक्वल टू v इसी को पैसे लिखते v इक्वल टू u प्लस ए टी. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है. ये हमको क्या बताता है गिवन टाइम में हमने कितना वेलोसिटी एक्वायर कर लिया है. अंडरस्टूड सबको इसमें किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है. आपको याद रखनी v इक्वल टू u प्लस ए टी. इसका काम क्या होता है ये बताता है आपने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया है उस पर्टिकुलर टाइम में एक मिनट में दो मिनट में चार मिनट में. एग्री करते हो ये पार्ट सबको क्लियर है अभी. हेलो सर. यस सर अभी एग्जाम में से क्वेश्चन आते फॉर एग्जांपल कि
इतने तो तुमको गिवन टाइम दिया जाता है कि तुम्हें उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि तुम्हें इतने टाइम में तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वगैरह कितना है, तो उसमें ये फॉर्मूला काम आता है क्या? यस बच्चे, ये फॉर्मूला काम आता है। आज हम ये पढ़ने के बाद देखो यहाँ पर हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे, ठीक है? ए स्कूटर रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ दिस इन 10 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक ट्रेन चल रही है 20 सेकंड उसके ब्रेक अप्लाई किए, बताइए उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है अगर उसका रिटार्डेशन कितना, तो ये सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ओके? तो यहाँ पर ये इक्वेशंस काम आएंगे, एग्री? आगे चले अभी? यस सर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at। अब हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन कहती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है, सबको नोट भी करनी, याद भी करनी। s इक्वल टू ut प्लस, अगर अभी तक कोई डाउट आपको, हाफ at स्क्वायर। अभी देखो इसमें s कहते हैं डिस्टेंस को, s कहते हैं डिस्टेंस को, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, t आपका टाइम, हाफ तो हाफ है, t आपका एक्सेलरेशन और t आपका टाइम। अगस्त आपका माइक ऑन है, आप माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है? तो अब इसके इस इक्वेशन का पर्पस क्या होता है? इट गिव अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम। जैसे मैं डिग्री से चला, आप 10 मिनट बाद मुझसे पूछोगे सर कहां तक पहुंचे, मैं कहूंगा मैं कलश तक पहुंच गया। कलश कितना दूर है यहां से? 4 किलोमीटर दूर है। तो सेकंड इक्वेशन को क्या बताती है? हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में, हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमको बताता। अगर आपका माइक ऑन है बच्चा, आप माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। यस डियर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपका माइक म्यूट है। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है। सर कॉल पे बोल रहे हैं किसी से। मैं आपको मैं सुनते हैं।
सर कॉल से बात करने लगता है, मैं तो सर सिखाते अभी। मैं कॉल करता हूँ सर। सॉरी बच्चा लोग, एक कॉल आ गया था मुझे। ओके सर। यस यस सर। क्या मैं मोबाइल से जब क्लास लेता हूँ ना, तो कॉल आने की पूरी संभावना होती है। जब लैपटॉप से लेता हूँ तो दिक्कत नहीं आता, ठीक है। मैं एक बार लैपटॉप से ट्राई करता हूँ, अभी देखो आपकी आवाज में आपको कोई फर्क नजर आता है कि वन सेकेंड। अभी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर, आवाज क्लियर है तो मैं लैपटॉप से क्लास ले सकता हूँ? यस सर। मोबाइल से लूंगा तो क्या बीच बीच में डिस्टरबेंस आने का पूरा चांस होता है। चलो हम सेकेंड इक्वेशन करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को क्या देती है? इट गिव द डिस्टेंस ट्रेवल ए बॉडी इन गिवन टाइम, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ड्राइव करना है। इक्वेशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको लिखा कैसे ड्राइव करना है, यूजिंग एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट एंड यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी
अपॉन टू या बेटा एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यहां तक किसी को डाउट? नो सर। क्लियर, आगे चलेंगे? यस। अभी देखो हमने और क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है टाइम टेकन वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम इनटू स्पीड टाइम टाइम, ये वेलोसिटी स्पीड होती है ना। हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना। यस सर। देखो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। अच्छा एक सेकंड रुको, एक मिनट, यस हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात होती है, ठीक है। तो यहां पर हम स्पीड को एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ओके अंडरस्टूड। अब देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल टू यू प्लस at, ठीक है। इसमें से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारा t का वैल्यू क्या था, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, अंडरस्टूड। यहां तक सबको क्लियर? यस सर। अभी देखो डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, एस। हाँ बोलो बच्चा। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो इक्वेशन टू को? क्या चीज सर? इक्वेशन टू को क्या बोल रहे हो बच्चा? सर इक्वेशन टू को, हाँ इक्वेशन टू का क्या सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? अभी मैं बता ही तो रहा हूँ बच्चा। सर समझ नहीं आ रहा। किसको नहीं समझ आ रहा? किसको नहीं समझ आ रहा है? बताओ ना किसको नहीं समझ आ रहा है? सर यश बोल रहे हैं। सर यश, यश सर, यश काट कर। अच्छा बच्चा तुमको क्या नहीं समझ बताइए। सर वो बोल रहे सेकंड इक्वेशन, नहीं उसको बोल रहे थे। यश आप क्या नहीं समझा? आपकी आवाज क्लियर नहीं है यश। हेलो यश लेफ्ट हो गया, कोई साउंड का दिक्कत है इसलिए उसको दिक्कत है। अगस्त आपका माइक ऑन है बच्चा, माइक ऑफ कीजिए। आप में से और किसको डाउट यहां तक? आप में से किसको डाउट है यहां तक? नो सर। आगे चल सकते हैं? यश आपके इंटरनेट दिक्कत है मुझे लग रहा है, इसलिए शायद आप सर आई हैव रीजॉइंड। हां नहीं आपको क्या डाउट है बताइए मुझे। सर इक्वेशन टू ठीक से समझ नहीं आ रहा था सर, इसलिए मैंने बोला आप स्टार्टिंग से एक बार समझा दीजिए ना इक्वेशन टू। आपको कौन से स्टेप में दिक्कत है, मैं तभी तो उसको समझा पाऊंगा ना फिर से। सर जब आपने वो डिस्टेंस का टॉपिक समझाना चालू किया था तब।
हमको ये पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या, मतलब माई कौन रखा, हमको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम होता है। यस सर। ओके, अब स्पीड को हम वेलोसिटी कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन की बात होती है। अगर गाड़ी स्ट्रेट चल रही है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, ये आपको पता है। यस सर। ठीक है, तो ये लाइन आपका क्लियर और ये लाइन आपका क्लियर, ये क्लियर है भी? डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी आगे देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये वाला v इक्वल टू u प्लस at, ये ऊपर आपको समझ में आया था? यस सर। माइक ऑन कर करके, अब माइक ऑफ मत करो, अब माइक ऑन कर करके, अभी मैंने यहाँ पर ये लिखा था टाइम, ये आपको समझ में आया? यस सर। ये आपको समझ आया मेरे? ठीक है सर। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, तो डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, अब क्लियर है? यस सर। आगे चल सकते हैं अभी? यस सर। यस, अभी देखिए ऊपर एवरेज वेलोसिटी हमने क्या निकाला, ये रहा u प्लस v, u प्लस v अपॉन 2, तो यहां पर आएगा हमारा u प्लस v अपॉन 2 इंटू टाइम, टाइम यहां से आएगा हमारा, ये जो हमने निकाला है, तो v माइनस u अपॉन a। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या इसमें v है, क्या बताइए इसी क्वेश्चन में v है, कोई काम नहीं है। ठीक है, और v इक्वल टू क्या ही है, u प्लस at, तो जहां पर भी आपका v है उसको आप, एक्सक्यूज मी सर, यस सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, क्लियर नहीं सर, इट्स क्लियर, क्लियर, मैं ठीक है वापस मोबाइल से आता हूँ। अभी क्लियर है शिवम? यस सर। चलो अभी देखो, मैंने आपको कहा इक्वेशन में जो v है उसका हमको नीड नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में जो भी v इक्वल टू u प्लस ए टी उसको रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो जहां पर भी v है, देखो v कहां पर है, यहां पर है, v कहां पर है, यहां पर, इसमें ये क्या डालेंगे, ये डालेंगे, इनपुट करेंगे, s इक्वल टू फर्स्ट u प्लस, अब जो v है v की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2। इस इक्वेशन को भी देखो, u प्लस ए टी माइनस यू अपॉन ए, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, देखो बाद में सब आपको करनी है, अगर आपको आना जरूरी है समझ में, इसमें किसी को डाउट है, देखो 8 क्लास की पढ़ाई में जस्ट माइनर डाउट, s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बीच में भूल गया था, s डिस्टेंस को बच्चा ना, यस सर, मैंने आपको देखो s डिस्टेंस है ना, देखो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा है, व्हाट इज s, इट इज डिस्टेंस, क्लियर अभी बच्चा, क्लियर आपको? यस सर। तो ये पार्ट सबको क्लियर जो मैंने किया अभी, मैंने क्या किया, जहां पर भी v था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, u प्लस ए टी, अंडरस्टूड? आगे चल सकता है आप लोग, प्लीज रिप्लाई कीजिए, यहां क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अभी देखो इसमें अगर कुछ कटता है हम उसको कट करेंगे, अगर कुछ नहीं कटता उसको ऐसे छोड़ देंगे,
ठीक है, अभी देखिए s इक्वल टू u प्लस u टू यू प्लस ए टी अपॉन टू। आगे देखो यहां पर u प्लस का है, यहां पर u माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, यहां पर क्या बच गया ए टी अपॉन ए। ये स्टेप सबको क्लियर, मैं एक एक स्टेप आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत ना आए। ये स्टेप क्लियर सबको? प्लीज रिप्लाई, ये स्टेप सबको क्लियर? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है ना, मुझे रिप्लाई आ रहा है चैट बॉक्स पे। यस सर, दिस स्टेप इज क्लियर। हाँ तो आपको बताना पड़ेगा, या तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए या मुझे अनम्यूट करके बताइए, क्योंकि एक स्टेप इंपॉर्टेंट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अभी देखो s इक्वल टू, अब इस टू को हम दोनों के साथ डिवाइड में लिख सकते हैं, टू यू अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू। और यहां पर आप देखोगे a से a आपका कैंसिल, यहां पर क्या बच जाएगा t। ये स्टेप सबको क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए गुड, अभी और कुछ कट होता है? यस, टू से टू कैंसिल हो गया, s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप s इक्वल टू, अब t को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी। हमारी इक्वेशन बन गई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमको लाना था, ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। क्लियर सबको ये चीज? सबको क्लियर? यस सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ना? हे भगवान, अभी किसने कहा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस? अभी किसने कहा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस? रिप्लाई दीजिए, अभी किसने कहा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस? रिप्लाई कीजिए प्लीज। मैंने कुछ पूछा आप लोगों से, अभी किसका डाउट था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते? अथर्व आपका माइक ऑन क्यों है? अभी किसका डाउट था, अनम्यूट करके बताइए किसका डाउट था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस? मुझे आपकी आवाज नहीं आई है। तुषार आपका डाउट था? नो सर, था मतलब सर अभी क्लियर हो गया। देखो क्या बच्चा, एक बात आप समझिए, नाइन्थ क्लास की पढ़ाई बहुत अलग है और एट्थ की पढ़ाई बहुत अलग है। अगर आप सोचते हो केवल हमने क्लास अटेंड कर लिया और हम घर बैठ के उन चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे, हम लेक्चर फिर से नहीं देखेंगे और हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब आपको नाइन्थ में दिक्कत आने वाली है। ये बात आप लिखवा के ले लीजिए मेरे से, इसलिए आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मैं आपसे एक एक स्टेप पे इसलिए पूछता हूँ कि उस स्टेप पे आपको नहीं आया तो बताऊंगा, लेकिन आप ऐसा फुलिश क्वेश्चन अगर पूछोगे तो इसका मतलब आप नाइन्थ में आपको दिक्कत आएगा। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी, जो मैं नोट्स भेजता हूँ उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैंने आपको नोट्स भेज दिया, आप उसको अगर उतार के ही अगर मेरे को आप पोस्ट करेंगे उसका कोई फायदा नहीं। जब अगले हफ्ते टेस्ट होगा उसमें दिख जाएगा कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो, और जो नंबर अच्छे लगेगा मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा, आपको क्लियर बताता हूं, ये बात याद रख लीजिएगा। तो आपको कहीं ना कहीं चीजों को समझ, एट क्लास में क्या होता है टीचर उंगली पकड़ के चलता है, पर एट क्लास और नाइन्थ क्लास में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अब हमें पढ़ाई शुरू करनी है,
हमें अपनी तरफ से दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने होते हैं। एट क्लास में ऐसा नहीं होता था, स्कूल के टीचर ने जितना आंसर लिखा दिया काफी होता था। नाइन्थ क्लास में ऐसा नहीं होता, टीचर ने अगर दो लाइन बताया है हमको चार लाइन लिखनी आनी चाहिए। अगर टीचर ने दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं हमको चार क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रैक्टिस करने होते हैं, तब समझिए आपकी पढ़ाई हो रही है। इसलिए वास्तविकता में आ जाइए, आप लोग अभी एट क्लास में है, नाइन्थ क्लास में आप पहुंच गए हैं और अभी तक आप एट क्लास में नहीं है। एग्री मेरी बात सबको? यस सर। इसलिए हर कोई प्रैक्टिस करना चाहिए। आप लोग जो मेरे को होमवर्क भेजेंगे कि सर मैंने होमवर्क कर लिया है, और वो क्वेश्चन अगर मैंने एग्जाम में दिया और आपने गलत किया तो वो आपकी क्षमा आएगी, याद रखिएगा। इसलिए होमवर्क जब सबमिट करते हो मैं जो आपको शीट भेजता हूँ उसमें से आपको केवल क्वेश्चन देखना है, वहां से आपको आंसर नहीं देखना है, आपको आंसर खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, इसको कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या बताता है? हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गिवन टाइम में। इसको ड्राइव करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एवरेज वेलोसिटी और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज किया है और इसको सॉल्व किया है। तो ये आपको सॉल्व खुद भी एक दो बार अगर आपको नहीं समझ आता, एक बार प्रैक्टिस कीजिए देख के, दूसरी बार देख के प्रैक्टिस कीजिए, थर्ड बार बिना देख के इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, फोर्थ बार फिर से इसको बिना देख के लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ऐसी कोई चीज याद होती है? हमको एक बार में कभी देख के चीज याद नहीं होती यार। मैथ्स और फिजिक्स ये कभी पढ़ के नहीं समझ आते, ये प्रैक्टिस करके ही समझ आते। ठीक है, अब हम थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या बताता है? इट गिव अस, यस सर, आप ये जो है आप सर पीडीएफ व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं क्या? मैं सारे इक्वेशन वगैरह प्रैक्टिस कर सकता हूँ। यस बच्चा, मैं तो डेली, मैं कल भी सेंड, आज भी सेंड किया था, कल वाला मैं सेंड करूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ओके सर। यस, थर्ड इक्वेशन देखो क्या बताता है। इट गिव अस द वेलोसिटी एक्वायर बाय ए बॉडी इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस। जैसे मैं यहाँ से डिग्री से जा रहा हूँ आलमदी, तो मैं जब आलमदी पहुंचा आपने मुझसे पूछा था आपने कितना वेलोसिटी एक्वायर कर लिया है, तो उसके लिए फॉर्मूला काम आता है v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखो टाइम नहीं है, देखो हर एक इक्वेशन का एक खासियत है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे उसमें क्या नहीं है? उसमें डिस्टेंस नहीं है, उसमें डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया, एक ट्रेन चल रही है, उसका टाइम इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतना, फाइनल वेलोसिटी इतना, अगर उसमें डिस्टेंस निकालने को नहीं कहते, इसका मतलब उसमें फर्स्ट इक्वेशन यूज होती है। फर्स्ट इक्वेशन में डी का देखो कोई काम नहीं है, तो जहां पर आपको डी निकालना नहीं है मतलब फर्स्ट इक्वेशन काम आती है। सेकेंड इक्वेशन खाते देखो, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में क्या नहीं है? v इसमें नहीं है, इसमें फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं। तो अगर किसी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी जाती, वहां पर फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं निकालना है, इसका मतलब उसमें सेकंड इक्वेशन काम आ सकती है। तो हमको जो डाटा गिवन होता है ना, जो क्वेश्चन होता है उसमें जो डाटा गिवन होता है कि भाई आपको फाइनल वेलोसिटी दिया है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, आपको टाइम दिया, आपको आपको जो डाटा गिवन होता है ना उसको देख के हमको पता लगाना होता है भैया फर्स्ट इक्वेशन यूज करें या सेकंड यूज करें या थर्ड यूज करें। अब थर्ड का खासियत क्या है? इसमें देखो टाइम नहीं है, आपको कहीं टाइम दिख रहा है? इस इक्वेशन में टाइम नहीं है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दिया तो समझो वहां पर एक थर्ड इक्वेशन काम आ रही है, क्योंकि फर्स्ट में भी टाइम चाहिए होता है, सेकंड में भी टाइम चाहिए, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। इसका मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया तब समझो आपको थर्ड इक्वेशन यूज करना है। आई मेरी बात सबको समझ में? एवरीवन क्लियर जो मैंने कहा? यस सर। सबको क्लियर है? संस्कृति बच्चा आपको समझ में आ रहा है? ओके,
चलिए अब थर्ड इक्वेशन कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। चलिए अब देखो हाउ टू ड्राइव दिस इक्वेशन, यू हैव टू यूज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कौन बताएगा फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन? सर मैं आए सर, v इज इक्वल टू u प्लस at। गुड, चलो सेकंड इक्वेशन क्या है, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन? सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। स्क्वायर, यस, एकदम गुड। अभी देखो खासियत, अभी मैंने क्या कहा था, इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, है ना? अब हम देखो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे। तो टाइम का वैल्यू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन ए, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, टाइम का वैल्यू निकाला, तो t इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन ए। अब क्या करेंगे, इस t का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और इस t का वैल्यू यहां पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हमारा आंसर आ जाएगा। आप भी ट्राई कीजिए साथ साथ में, s इक्वल टू u v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर। तो जहां भी t था वहां पर मैंने क्या लिख दिया, v माइनस यू अपॉन ए। इसमें किसको डाउट, एनी डाउट टिल हियर? नो सर। नो सर, चलिए गुड, अब आगे no, चलते हैं इस क्वेश्चन। ओके, उसको आगे सॉल्व करते हैं, एस इक्वल, अच्छा देखो एस इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू का स्क्वायर और नीचे ए का स्क्वायर। इस कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अंडरस्टूड? चलिए अगला स्टेप देखिए, s इक्वल टू एकदम सिंपल सिंपल करके चलेंगे ताकि हमको समझ में आए। देखो यहां पर एक a से ये a स्क्वायर का एक a कैंसिल हो जाए प्लस v माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू a। बोलो बच्चा। सर अब थर्ड स्टेप है ना, आपने थर्ड लिखा है वो आप वापस लिखना कर सकते हैं क्या? ओके, मैंने देखो इस पार्ट को कैसे लिखा, ये जो है ना इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, v माइनस यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है ना, स्क्वायर होल स्क्वायर जैसे होता है ना, a अपॉन v का होल स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, a स्क्वायर ऊपर और ये वाला स्क्वायर नीचे। फिर मैंने क्या किया, ए से एक ए कैंसिल कर दिया, तो यहां पर केवल एक ए बच जाएगा। अभी क्लियर? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं। अभी देखो यहां पर नीचे ए है, यहां भी ए है, यहां पर टू है, तो टू के लिए क्या करेंगे, इंटू टू अपॉन टू, तो क्या बन गया, एस इक्वल टू टू यू v माइनस यू अपॉन टू ए प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कौन बताएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर? सर मैं, यस यस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं और कोई बताएगा? सर मैं टेल, सर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा करेक्शन और चाहिए, और कौन बताएगा करेक्ट? सर मैं टेल, सर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यस ये करेक्ट फॉर्मूला होता है।
तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, आप नोट कर लो, आप लोगों को याद रहना चाहिए। ऐसे दो फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये आपको सेवन क्लास में पढ़ाया गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पर माइनस होता है तो ये माइनस हो जाता है, और यहाँ पर प्लस होता है तो ये भी प्लस होता है, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी तो हमारे पास क्या है, वी माइनस यू का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर। इसको इसकी जगह पुट कर दो, हमारे पास ये है ना, इसकी जगह हम पुट करेंगे, इसे कहते हैं जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में मैथ आता ही आता है, इसलिए आपका मैथ अगर अच्छा होगा आपका फिजिक्स भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये दो तीन, ये तो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, आपको याद रहने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ये जो है इसको हम इससे रिप्लेस करेंगे, इससे इससे, तो यहां पर हम रिप्लेस करेंगे एस इक्वल टू टू यू वी माइनस यू अपॉन टू ए प्लस, और देखो इसकी जगह ये आएगा वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। मैं इसमें एक स्टेप और आगे जाता हूं, इस ब्रैकेट को मैं अंदर सॉल्व कर देता हूं, इसको इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर क्या बनेगा, टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है, प्लीज चेक एंड लेट मी नो। इसमें किसी भी स्टेप पे आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आपको। ओके सबको क्लियर यहां तक फर्स्ट स्टेप, यस सर। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, एस इक्वल टू नीचे क्या आएगा, टू ए, ऊपर देखो टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, और क्या बचेगा, एस इक्वल टू नीचे क्या है, टू ए। अभी यहां से क्या बचा, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या प्लस, तो वी स्क्वायर फिर ये प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर। ठीक है, हमने ये भी ले लिया प्लस यू स्क्वायर, फिर हमने ये भी ले लिया माइनस टू यू स्क्वायर, क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए इक्वल टू एस। अब ये चला गया दोनों यहां पर, तो क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये भी आपका एक इक्वेशन होता है, और इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। किसी को डाउट किसी भी स्टेप में पूछ सकते हो आप। तो मैंने कहा ना ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट तो बहुत इजी है, सेकंड और थर्ड कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तीन या चार मार्क्स की, ड्राइव द इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन ड्राइव करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, और ये आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आपको इसको एक बार दो बार तीन बार जितना भी आपको प्रैक्टिस करके याद हो जाए, या आप करके दिखाए कर को आपको याद कर। कोई डाउट यहाँ पे किसी को, नो सर नो डाउट तो ये आपको शीट पूरा मिल जाएगा, शीट आप आराम से इसको घर पे देखिए, दो बार इसको देख के लिखिए, मैं तो बोलता हूँ दो बार इसको देख के लिखिए, तीसरी बार बिना देखे लिखिए, हो सकता कुछ भूल जाओ फिर थोड़ा देख के लिखो, फिर चौथी बार फिर देख के बिना देखे लिखो, ट्राई करो, जब तक आप इसको बिना देखे लिख लोगे तब आपको समझो ये आपको समझ आया है। आपको अभी देखो मैंने कैसे लिखा, इसको बिना देखे लिखो,
क्योंकि मुझे याद हुआ है, तो आपको ये इसको याद करना है, इसको आपको समझना है, तो ये आपको सीखना है कि मुझे कैसे चाहिए समझना। थोड़ा बड़ा है, मैंने वही कहा ना, एट्थ की पढ़ाई में और नाइन्थ की पढ़ाई में डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है। सर यस, इसे डेरिवेशन कहते हैं ना? हाँ, इसको डेरिवेशन कहते हैं। आपके देखो जो फॉर्मूलेज बनते हैं ना, इसको ड्राइव किया जाता है। आप मैथ्स में भी जो फॉर्मूलेज देखते हो, पाइथागोरस आप जो देखते हो ना, आप सब लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, क्या होता है वो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबने सुना है पाइथागोरस का नाम? यस सर, यस सर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एग्री? हां यस सर, परपेंडिकुलर। इसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपका होता है एच, ये आपका होता है पी, ये आपका होता है बी, तो आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेंथ क्लास में आप इसको ड्राइव करना भी सीखोगे, इसको ड्राइव कैसे करते हैं। तो जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपको इसमें डेप्थ में आप जाते जाओगे, पर डेप्थ का बेसिस क्या है, अभी आप जो नाइन्थ क्लास में एंटर किए हो, आपका बेसिस है। अभी आपको ड्राइव करना आ रहा है कि देखो हम यार ये फॉर्मूला होता है, अब इसको आपने कैसे ड्राइव किया, क्या क्या हमने यूज किया, मैंने आपको देखो पहले बताया हमने क्या यूज किया, हमने इक्वेशन फर्स्ट यूज की, हमने क्या यूज किया, हमने सेकंड इक्वेशन यूज की। हमको यूज करना भी आना चाहिए कि भाई इस इक्वेशन में क्या मिसिंग था, टाइम मिसिंग था, इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन में टी का कोई काम नहीं है, तो मैंने फर्स्ट वाले में से टी का वैल्यू निकाला और उसको दूसरे वाले में टी का वैल्यू डाल दिया, उससे टी गायब हो गया, मेरी इक्वेशन अपने आप बन गई। ऐसा हमको सोचना पड़ता है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन पे। अभी अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चंस करने बड़े अमेजिंग होते हैं। देखो क्वेश्चंस आप कब कर पाओगे, जब आपको पता रहेगा कि इन फॉर्मूलेज का पर्पज क्या होता है। देखिए आपके फर्स्ट इक्वेशन, फिर से आपके फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद रखो इसमें डिस्टेंस नहीं है। सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें क्या नहीं है, v नहीं है। थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें क्या नहीं है, टाइम नहीं है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको ये देखना पड़ता है कि यार कौन सा इक्वेशन यूज करें, कौन सा इक्वेशन यूज नहीं करें। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो क्या क्या है। If a body start from rest, अगर एक बॉडी रुकी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, a body, if a body start from the rest, एक बॉडी रुकी है और उसने जस्ट चलना स्टार्ट किया है तो उसका u का वैल्यू कितना होगा, जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये हमको याद होना चाहिए, है ना, गुड। सेकेंड पॉइंट, इफ ए बॉडी कम टू रेस्ट, मतलब रुक जाती है, जब कोई बॉडी चल रही थी, कोई समझो आपकी गाड़ी चल रही है, अब वो रुक गई, रुकने का मतलब क्या हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, ये याद रखना। थर्ड पॉइंट, इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो, इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, ना तो स्पीड कम हो रही ना स्पीड ज्यादा हो रही, सेम स्पीड पे जा रही है, सेम स्पीड पे जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों चीज आपकी कब काम आएंगी, आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे। दूसरा, आपकी जब गाड़ी एक्सीलरेट होती है तो आपका ए का वैल्यू पॉजिटिव आता है, जब आप रिटार्डेशन करते हो, ब्रेक लगाते हो, तब आपका ए का वैल्यू माइनस आता है, याद रखिए। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें, एक एक करके, चलिए गुड। जो भी नई चीज समझ में आए पक्का आप लोग पूछते चलिए, ठीक है, आप लोग पूछेंगे तो डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पहले जो डाटा गिवन होता है ना, उसको हमेशा लिखना सीखो, तब आपको क्लियरिटी आएगा क्या निकालना है, कैसे निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, ए स्कूटर एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, है ना, स्कूटर ने एक वेलोसिटी एक्वायर किया, इसका मतलब वो शुरू कितने से हुआ, जीरो से, 10 सेकंड में कहां तक पहुंच गया, 36 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। तो जब भी मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में आप क्या करो, किलोमीटर पर आवर को आप किसमें चेंज कर लो, मीटर पर सेकेंड में, बहुत ईजी रहता है। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं कौन बताएगा? देखा ना यहाँ क्या लिखा है, जस्ट आफ्टर स्टार्ट, इसका मतलब आपका यू का वैल्यू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में चेंज करके बताओ जल्दी, मीटर पर सेकंड में कितना आएगा जल्दी बताओ, कितना आएगा मीटर पर सेकंड में, सॉल्व कीजिए इसको साथ साथ में। सर 10 मीटर पर सेकंड। गुड, सबका आया 10 मीटर पर सेकंड, सबका आया 10 मीटर पर सेकंड। तो 36 को क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी किसमें चेंज होगा मीटर पर सेकेंड में। तो आपकी जो यूनिट किलोमीटर पर थी वो क्या चेंज हो गई, मीटर पर सेकेंड। कब चेंज हो गई, जब आपने उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और क्या दिया, टाइम दिया है, तो हम टाइम लिखेंगे, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। तो देखो हमको U पता है, यस, हमको V पता है, यस, हमको टाइम पता है, यस। अब आपको क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन समझना कैसे, हमको तीन चीज पता है। अब उसने क्या बोला, फाइंड द एक्सेलरेशन, अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना। अब तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला या थर्ड वाला, सब चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए, 1, 2, 3 चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए सब लोग, which equation we have to use first, second or third, सबका चैट बॉक्स पर रिप्लाई आना चाहिए, 1, 1st, 2nd or 3rd। शिवम ने कहा फर्स्ट, ओके, बाकी लोग, अथर्व ने कहा फर्स्ट, गुड, तुषार ने कहा फर्स्ट, सबका रिप्लाई आना चाहिए, देखो एक दो का रिप्लाई नहीं, मुझे सबका रिप्लाई देखना, ओके, सृष्टि ने कहा फर्स्ट, गुड, बाकी यश रिप्लाई को सब लोग, सबका रिप्लाई देख रहा हूं मैं, यश 1 रिप्लाई तो फास्ट आना चाहिए सबका, आगे से रिप्लाई करो। देखो अगर आप ये समझिए, क्वेश्चन को देख के आपको पता लगाना चाहिए, मैंने कहा तीन इक्वेशन, तीनों में से कभी एक काम आती कभी दो भी काम आती, पर मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोगों के लेवल पे एक ही काम आती। तो अगर आप तुरंत पहचान गए कि कौन सी इक्वेशन आपको यूज आएगी तो आप आंसर अपने आप निकाल लो, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आपको U पता था, V पता था, T पता है, सिर्फ निकालना A, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी क्वेश्चन काम आएगी, फर्स्ट वाले। तो इसको आप खुद सॉल्व करोगे, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। अभी हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बताता चलूंगा, अब आपको सॉल्व खुद करने। तो 16th क्वेश्चन, आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है और आपको आंसर निकालना है। अब हम 17th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ऐसे 17 क्वेश्चन डाटा देखेंगे, क्या 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 डाटा गिवन है, क्या निकालना है, और उसके बाद हम देखेंगे हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। चलो 17 क्वेश्चन देखो, ए मूविंग ट्रेन, देखो पहले वाले केस में गाड़ी स्टार्ट, सर, यस बच्चा, सर विल यू सेंड दिस पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चंस, यस बच्चा मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, यस सर, ये आज ही अभी तुरंत मेरे क्लास अभी खत्म होगी ना 5 बजे, तो आपको मैं तुरंत पीडीएफ बना के तुरंत भेजूंगा ताकि आप लोग ये होमवर्क करोगे, ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 16 ओवर, हां गुड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुड गुड गुड। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 17th, ए मूविंग ट्रेन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में गाड़ी स्टॉप थी, है ना, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब ट्रेन चल रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ट्रेन ऑलरेडी चल रही है। ए मूविंग ट्रेन is brought to rest, मतलब ट्रेन चल रही थी अब वो रुक गई, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। ऐसे हमको क्वेश्चन को देख के समझना है,
फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट से चालू हुई थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब यहाँ पर ट्रेन चल रही है और अब क्या होगी, बंद हो गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड। अब उसने ब्रेक अप्लाई किए, उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किए और उसका रिटार्डेशन ब्रेक कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा आपका। मैंने कहा आपको रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव, और एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब उसने कहा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमको यू फाइंड आउट करना है। तो बताइए कौन सा इक्वेशन काम में आएगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए फटाफट। विच इक्वेशन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स। अथर्व ने कहा सेकेंड, तुषार ने कहा सेकेंड, शिवम ने भी कहा सेकेंड, ये गलत बात है। क्या क्या दिया है, V दिया है, यस, T दिया है, यस, एक्सेलरेशन दिया है, यस, क्या फाइंड आउट करना है, यू, एग्री। आप ऊपर तीनों इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या था, डिस्टेंस कहीं दिया हुआ है इसमें, सेकेंड क्वेश्चन में डिस्टेंस चाहिए, थर्ड क्वेश्चन में भी डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें कहीं डिस्टेंस का काम है क्या, बताइए। तो जब डिस्टेंस का काम नहीं है तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन का क्या काम, बताइए मुझे, लॉजिकली सोचो सब लोग, जिन लोगों ने टू रिप्लाई किया है। इस क्वेश्चन में अगर हमको डिस्टेंस का कोई काम नहीं है तो सेकंड इक्वेशन क्यों चाहिए हमको, अभी समझ में आया सबको गलती क्या है। तो यहां पर भी फर्स्ट इक्वेशन ही काम में आएगी, अंडरस्टूड? अभी क्लियर हुआ सबको, क्लियर तो बंद दबाओ सब लोग, अगर मेरी बात समझ गए हो तो बंद दबाइए। प्लीज रिप्लाई। चलिए, तो इसमें भी आपका फर्स्ट इक्वेशन ही काम आएगा, सेकंड इक्वेशन, जब हमें स्पीड डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का कोई काम नहीं है तो सेकंड और थर्ड का कोई काम नहीं है। याद रखो, फर्स्ट वाले में डिस्टेंस का काम नहीं है, सेकंड वाले में फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, और थर्ड वाले में टाइम का कोई काम नहीं है। तो ये हमको लॉजिक याद रखना है। चलिए थर्ड, अब अगला क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 18। तो 17 आपको खुद सॉल्व करना है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा क्या क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो उसने स्टार्ट किया आगे विद इनिशियल वेलोसिटी, उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिए, तो आपको यू दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। आगे ड्यू टू फ्रिक्शन इट वेलोसिटी डिक्रीज एट ए रेट ऑफ दिस, ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन है। A इक्वल टू -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो मतलब टाइम निकालना है, टाइम हमको निकालना है टू टेक द बॉडी टू स्टॉप, अपने हमारा बॉडी रुकना चाहिए, तो V आपका कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कौन सा इक्वेशन काम में आएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स, विच इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? तुषार कहता फर्स्ट और थर्ड, यश कहता सेकंड, अगस्त कहता थर्ड, क्या इस क्वेश्चन में कहीं डिस्टेंस दिया है, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी डिस्टेंस निकालना है, सोचो लॉजिकली सोचो, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या इसमें कहीं डिस्टेंस दिया है, फिर से सोचो, फिर से सोचो, क्या इसमें डिस्टेंस दिया है,
क्या इसमें डिस्टेंस निकालना है? नो सर। तो फिर जब हमको डिस्टेंस का कोई भी काम नहीं है तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती है, ना तो सेकंड इक्वेशन होगी ना थर्ड इक्वेशन होगी, केवल फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी गलती क्यों कर रहे बच्चा, क्या नहीं समझ आ रहा बताइए? आपने दो क्वेश्चन में गलत जवाब दिया है, इस क्वेश्चन में क्या नहीं समझा बताइए? यू हमको पता है, ए हमको पता है, वी हमको पता है, तीनों इक्वेशन देखो आप बोलो बच्चा। सर कैन यू टेल वंस अगेन हाउ टू फाइंड दैट व्हिच फार्मूला विल बी यूज्ड इन व्हिच क्वेश्चन? देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वहां पर स्पीड का कोई काम नहीं, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको स्पीड फाइंड आउट नहीं करनी है, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन आपको स्पीड नहीं दिया या स्पीड आपको फाइंड आउट नहीं करनी है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन काम है। जिस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालनी, आपको डिस्टेंस दिया है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, आपको टाइम दिया है, तो आपको पैरामीटर देखने पड़ेंगे। देखो देखो ये चार ही पैरामीटर, हर इक्वेशन में देखो चार चीजें, वी यू ए टी, चार चीज हो गई। सेकेंड में देखो एस यू टी ए, चार चीज हो गई। थर्ड वाले में देखो वी यू ए एस, तो इन चारों में से एक मिसिंग हो जाएगा, तो जो मिसिंग होगा हमको इक्वेशन में देखना पड़ेगा। जब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा वी टी ए दिया है, यू निकालना, तो यू कहां से मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि उसमें डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है। इस क्वेश्चन में भी देखो यू दिया है, ए दिया है, वी दिया है, टाइम निकालना है, तो यहाँ डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो जो चीज नहीं दी, अगर समझो आपको किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, किसी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया तो सेकंड इक्वेशन यूज करो, किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया टाइम थर्ड, तो थर्ड यूज करो। अभी क्लियर लॉजिक? लॉजिक क्लियर? यस सर। अभी अभी चलो 19th क्वेश्चन आप लोग बताइए। अभी चलो 19th क्वेश्चन में देखो, आप लोग ट्राई कीजिए। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस आपको ए दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ए 4 meter per second square, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर? ओहो अब डिस्टेंस आ गया, तो मतलब हमको एस निकालना है। गुड, विल इट कवर इन 10 seconds, मतलब टाइम भी दिया है, टी इक्वल टू 10 seconds आफ्टर इट स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग वाली बात है, तो यू कितना हो गया 0 meter per second। तो देखो यहाँ पर वी नहीं दिया है, वी का कोई काम नहीं है, अब बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? बताइए सोच के, विच इक्वेशन वी कैन यूज? एस निकालना है, यू दिया है, टी भी दिया है और ए भी दिया है, आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है। यस शिवम ने एकदम सही पकड़ा है, सेकेंड इक्वेशन हम करेंगे। गुड, अथर ने भी सही बताया, अगस्त ने भी सही बताया, अथर ने भी। यस बच्चा बोलो, 19th क्वेश्चन एक बार दिखाओ ना। 19th क्वेश्चन, जिसने भी सेकंड किया है वो एकदम करेक्ट है, सबको समझ में आया भी लॉजिक? आपको एक्सेलरेशन दिया था, टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और डिस्टेंस निकालना है, तो हमको फाइनल वेलोसिटी का कुछ अता पता ही नहीं है भाई, उसने वो रुकी नहीं रुकी, कितनी पहुंची, कोई पता नहीं। तो उस केस में जब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन का वहां पर काम है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये क्वेश्चंस आपको सारे खुद सॉल्व करने, ना तो आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 20, अभी क्वेश्चन नंबर 20, ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ दिस, ठीक है, इसका मतलब चल रहा है, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 meter per second, इट स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक, मतलब रिटार्डेशन होगा, जब भी ब्रेक अप्लाई होगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, परफॉर्म ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट दिस, इसका रिटार्डेशन ए इक्वल टू -0.5 meter per second square, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर बाय स्कूटर बिफोर इट स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी v 0 meter per second,
क्या निकालना है, एस निकालना है, ठीक है। तो गाड़ी चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, आपने ब्रेक लगाया तो क्या होगी, गाड़ी रुकेगी। तो जब आपने ब्रेक लगाया तब और जब गाड़ी रुकी तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवरअप किया है, तो बताइए कौन सा इक्वेशन। यस तुषार ने एकदम सही पकड़ा, थर्ड इक्वेशन। सेकंड गलत, फर्स्ट गलत, सोचो फिर से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्या इसमें टाइम दिया है, क्या बताइए, क्या इस इक्वेशन में कहीं भी टाइम दिया है। देखो तीनों चारों चीजों में चार चीजें होंगी। ओके सर, गॉट इट। है ना, आपको चार चीजें दी होंगी, उसमें से तीन आपको दी होंगी और एक आपको छोड़ देंगे। हर इक्वेशन में देखो चार चीजें हैं, इसमें देखो चार हैं, एक दो तीन चार, इसमें भी चार है, एक दो तीन चार, इसमें भी चार है, वन टू थ्री फोर। तो इस चार में से आपको हर क्वेश्चन में तीन चीजें मिलेंगी और आपको फोर्थ चीज निकालनी है और पांचवी चीज मिसिंग होगी। देखो पांच चीजें इसमें, किसी भी क्वेश्चन में देखना पांच चीज आपको पक्का होंगी, मतलब इस इन क्वेश्चन में पांच चीजें, वी यू ए टी और एस, ये पांच चीजें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, ये पांच चीजें। हर इक्वेशन में से एक चीज गायब है, तो आपको वही पकड़ना होगा कौन सा गायब है। तो जो गायब होगा ना, तो समझ लेना वही इक्वेशन अपने को यूज करनी है। जैसे थर्ड इक्वेशन में टाइम का कोई काम नहीं है, हमको 20 क्वेश्चन में भी टाइम नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड। समझ में आया सबको सर? मतलब जो टर्म दी है, दी नहीं है उस पर फोकस करके मतलब कुछ नहीं होगा, जो टर्म दी है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। यस, पहले फर्स्ट फोकस कैसे करना है, क्या चीज नहीं दिया वो फोकस करो, उस सबको तुरंत पता लगेगा कौन सी इक्वेशन हमको यूज करनी है, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। वो ढूंढो जो नहीं दिया है और उस सब इक्वेशन फाइंड आउट करो, इक्वेशन मिल गया तो फिर तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए। चलिए 21st, ए कार ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देना, स्पीड अप टू दिस, उसे भी स्पीड बढ़ा दी है तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मीटर पर सेकेंड। फिर आपको दिया टाइम 6 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन निकालना है, बताइए क्या यूज करेंगे, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड? सर फर्स्ट। एकदम सही बात, अभी लॉजिक समझ में आया आपको, लॉजिक क्लियर सबको, जो मिसिंग है वो ढूंढो। क्या बच्चा, क्या बच्चा, क्लियर सबको? यस सर। चलो अभी 22nd क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, ए कार इंक्रीज इट स्पीड 20 से 50 किलोमीटर, इनिशियल 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, बताइए कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड? सर फर्स्ट। यस फर्स्ट, एग्री सब लोग, हर कोई, एवरीवन एग्री फर्स्ट इक्वेशन? यस सर। चलो गुड, आप सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट अंडरगो एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो मतलब हमको ए दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ऐसे लिखना सीखो हमेशा जो डाटा गिवन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब यू आपको दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब एस निकालना है, और क्या दिया, अरे टाइम दिया है t इक्वल टू 1 सेकेंड, बताइए विच इक्वेशन, देखिए कौन फास्ट बताता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड? सर सेकेंड। सर सेकेंड। सेकेंड गुड,
गुड अगस्त्य, गुड शिवम, गुड अथर, गुड वैष्णवी, सबको समझाया सेकंड इक्वेशन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया, इन फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं होता जो इक्वेशन होती है। गुड, हाँ नो स्पीड नहीं, फाइनल वेलोसिटी, यस फाइनल वेलोसिटी गिवन है। चलो 24th क्वेश्चन, ए बॉडी एक्सीलेटिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, ए दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है, टाइम दिया है 2 सेकेंड, विच इक्वेशन, फटाफट। सर सेकेंड इक्वेशन, यस, हाँ अभी चल रही क्लास, सेकेंड, गुड, सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए 25th, सबको समझ में आ रहा ना क्वेश्चन अभी? अब 25th क्वेश्चन, ए कार एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ दिस, तो ये वेलोसिटी एक्वायर हो गई इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तुमको दिया है फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमको दिया है 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन, तो बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे इसके लिए? सर फर्स्ट इक्वेशन, यस एकदम सही बात, सबको क्लियर है, इसमें यूज करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। और कुछ पूछा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो हमको फार्मूला पता है, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2, तो ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अब थर्ड आपसे एक सी पार्ट और पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, अब आपको थर्ड में एस निकालना है, तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको वी गिवन है, यस, टी गिवन है, यस, यू भी गिवन है, यस, अब बताइए आप क्या यूज करेंगे? सर सेकेंड, आप इसमें दोनों यूज कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए आप सेकेंड भी यूज कर सकते हो और थर्ड भी यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट वाला सॉल्व करोगे ना ये वाला, तब आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन भी पता है, यू भी पता है, टी भी पता, वी भी पता, तो अगर आपको चारों चीजें पता हो, मान लो अभी इस क्वेश्चन में तो हमको मिल गया चारों चीजें पता है, आपको पांचवी निकालनी है, तो फिफ्थ वाला किससे निकलता है, सेकंड से भी निकलता है और थर्ड से भी निकलता है, तब सेकंड यूज करोगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा, थर्ड यूज करोगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा, खासियत क्या है कि इसे बाकी चारों चीजें पता है अपने को, अंडरस्टूड सबको? अंडरस्टूड? चलो अब ये तीन चार क्वेश्चन और हैं, तुषार क्या नहीं समझा बच्चा आपको? तुषार आपको क्या नहीं समझा? सर इक्वेशन कौन सी यूज करनी है? सेकंड भी यूज कर सकते हो और इसका थर्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चारों चीजें पता है, जब सेकंड यूज करोगे तब भी आंसर आएगा और थर्ड यूज करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। अभी बाकी क्वेश्चंस भी है, 26, 27, 28, 29, 30, अभी सब खुद डाटा बनाओगे और खुद सोचोगे कि कौन कौन सा इक्वेशन इसमें यूज होने वाला है। सर मशीन, यस सर, यूट्यूब पे वीडियो कब तक अवेलेबल होगी? सर मैं इसको भी आधे घंटे में अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चा? छह बजे तक मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, शीट आपको भेज देता हूँ। तो आपका होमवर्क आज का क्या है, ये तीनों इक्वेशन आपको खुद एक बार सोच के समझ के लिखनी है, ठीक है? और ये वाला सर, ये आज सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते ना? बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लास्ट वाले मैंने आपके लिए छोड़ दिए। अब जैसे मैंने अभी डाटा लिखा था, अब आप लोग खुद डाटा लिखना और खुद आप देखना कि कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फिर उसको सॉल्व करना, नहीं आएगा तो कलम फिर करेंगे ना उसको। यस
सर वी नीड टू सॉल्व, नहीं लिखे तो चलेगा ना? नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, डाटा आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है। 27 क्वेश्चन, क्या क्या डाटा गिवन है, वी लिखो, यू लिखो, वी लिखो, फिर आप बताओ इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, इसको फिर फाइंड आउट करो। आपसे क्वेश्चन नंबर डालना आपको सर, क्वेश्चन नंबर 27 तक करना है ना सर? क्वेश्चन नंबर 27 तक ही करना है ना? नहीं नहीं पूरा 30 तक, पूरा 30 तक करना है सर। हमें 26 से लेके 30 तक करना है या स्टार्टिंग से लेके पूरा 30? नहीं सारे क्वेश्चंस आपको ऊपर से लेके सब करना है स्टार्टिंग से लेके। यस मैंने sir. एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ना, मैंने आपके लिए सब छोड़ दिया, मैं आपको सिर्फ पूछता गया कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे सर। 16 से 30 तक ना? तो 16 टू 30। यस यस यस, जो नहीं आएगा कल आपको सब समझा दूंगा मैं, पर आप लोग ट्राई पक्का करो, ट्राई करोगे तभी आप सीख पाओगे, ठीक है? यस सर। तुरंत मोर्चे पर लग जाओ, एकदम फ्रेश है, एकदम दिमाग में फ्रेश फ्रेश करोगे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? सर अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। हाँ यहाँ भी बारिश स्टार्ट होगी डिग्री में। यस सर बारिश हो रही है। अच्छा ना, देखो भगवान भी खुश है, तभी तो बारिश होती है, भगवान खुश होते हैं।